Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Students, today we are going to discuss a new topic, that is sign convention for refraction by spherical mirror. जब भी हम spherical mirror use करेंगे और कुछ चीजें हम उसमें से calculate करेंगे, तो उसके लिए हमें sign convention की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कि जैसे हम mirror formula use करेंगे, तो mirror formula की numericals करने के लिए sign convention चाहिए। कि किस कौन सी क्वांटिटीज पॉजिटिव लेना है, कौन सी क्वांटिटीज नेगेटिव लेना है, ठीक है, उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, वी नो दैट अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है टू डायमेंशन में, लेट अस, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। वी नो दैट ये हमारा ओरिजिन है 0,0, 0,0। अब इस ओरिजिन से राइट साइड का जो डिस्टेंस है, राइट साइड का जो डिस्टेंस होता है ये प्लस का होता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है इसको हम माइनस में लेते हैं, नेगेटिव। एंड अपवर्ड का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, एंड डाउनवर्ड जो है ये हमारा नेगेटिव होता है। डाउनवर्ड में कोई भी डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी नो वेरी वेल, तो इसी साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं हम स्फेरिकल मिरर। लेट्स सी कि एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड दिस इज पोल। ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को कहेंगे पोल। तो इस स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस लेट कर लेते हैं, एक्स एक्स डैश, एंड जो इसका पोल है दिस इज, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा 0,0, 0,0। इट मींस इस साइड का डिस्टेंस होगा, इस साइड का जो डिस्टेंस होगा ये प्लस का होगा, पोल के इस साइड का जो डिस्टेंस है ये हमारा, इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। हमेशा इस साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करेंगे, इस साइड के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव मेजर करेंगे, ठीक है। अगर कोई हाइट है ऊपर के डायरेक्शन में, अगर ऊपर है हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है सपोज, तो इसका जो हाइट होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी बॉडी नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या इमेज बनता है नीचे, तो इसका जो हाइट है यह हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर है? अगेन रिपीट करता हूं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो डिस्टेंसेस होंगे ये पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि अगर इमेज हमारा इन्वर्टेड बनना है, जैसा बनना है इन्वर्टेड बनना है, तो उस कंडीशन में उसका हाइट पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखा जाएगा, सीधा रखा जाएगा, तो इसलिए इसका हाइट हमेशा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लिया जाएगा, यहाँ पे हाइट नेगेटिव लिया जाएगा। अगर इस साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इस साइड का डिस्टेंस, लेट सपोज अगर इस साइड हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर इमेज इस साइड बन रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें ये तो चीज समझ में आ गया। अब जैसे मान लो अगर फोकल लेंथ की अगर बात करते हैं, लेट्स सपोज ये इसका फोकस है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर में इसका फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। क्या होता है? बिहाइंड द मिरर। जब ये बिहाइंड द मिरर होता है तो यहां पे जो इसका फोकल लेंथ है f, इस फोकल लेंथ को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे नोट करना है कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक ना। सेकेंड पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ
ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्वेक्स मिरर होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेंगे, कॉनकेव मिरर होगा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव किया जाएगा। क्यों? हमें पता है कॉनकेव मिरर इस तरीके का बनता है, इससे जो फोकल लेंथ वो कहां होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हमारा पोल है, जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो इस साइड वाले जो डिस्टेंस है वो किसमें लिया जाता है, नेगेटिव। इसलिए कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, जिसके कारण इसका नेगेटिव डिस्टेंस जो है वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा होता है, ये लोकेशन होता है ऑब्जेक्ट का, फ्रंट ऑफ द मिरर, पोल के लेफ्ट साइड में होता है, तो पोल के लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस क्या लिया जाता है, नेगेटिव। यहां पे भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो यहां प्लेस करेंगे, ये भी लेफ्ट साइड पे है, जब लेफ्ट साइड में होगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या ले जाएगा, पॉजिटिव ले जाएगा। ये हमेशा होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, आगे मिरर फॉर्मूला में यूज करते उसको डिस्टेंस करेंगे, तो यहां पे डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? एंड फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वी पॉजिटिव होगा कब, जब इमेज वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक ना। वी हमेशा नेगेटिव होगा जब इमेज हमेशा कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, क्योंकि हमने रे डायग्राम पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी, दोनों के लिए भी हमने दोनों में ये ऑब्जर्व किया है कि जो रियल इमेजेस बनते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनते हैं और जो वर्चुअल इमेज बनते हैं वो बिहाइंड द मिरर बनता है। जब वो बिहाइंड द मिरर बनता है तो मतलब राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव दिया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक ना, ये फोर पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत हेल्प होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूला से। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बस। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन सिलेबस में आपका डायरेक्शन नहीं है, ठीक ना, मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि डायरेक्शन इज नॉट कंपलसरी। सो नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला, अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली ये एक रिलेशन बताता है किसी भी मिरर के फोकल लेंथ, इससे इमेज की डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन बताता है। द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसके डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, इज कॉल्ड मिरर
फॉर्मूला सिंपल सा रिलेशन है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ये एक रिलेशन है u v और f में, जहां पे v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब इसमें f पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना वो मिरर पे डिपेंड करेगा, v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा नेचर कैसा है इमेज का, वो फ्रंट पे बन रहा है या बिहाइंड बन रहा है उस पे डिपेंड करेगा, एंड u u डिपेंड करेगा आपका, चलिए u जो है हमेशा कैसा होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लेट अस से वन न्यूमेरिकल्स। देखिए हमेशा जब भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1 by f = 1 by v plus 1 by u, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, जो भी वैल्यूज दे रखा होगा वो वैल्यू जो है आपके साइन कन्वेंशन के बेस पे ही इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन फर्स्ट। इफ वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। वी हैव गिवन ए u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r बाई टू। और यहां पे जो मिरर दे रखा है वो कैसे मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमें से कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो f इज इक्वल टू r बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू 60 बाई टू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जस्ट वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज v इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, देन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, f इज इक्वल टू r बाय 2 रेडियस, मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है हाफ होता है। ठीक है, देन मिरर फॉर्मूला 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u, सॉरी है प्लस, तो 1 बाय f निकालना है, सॉरी 1 बाय v निकालना है, v के वैल्यू फाइंड करना है, देन 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u, वन अपॉन u को दिस रिमूव कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, तो यहां पे u हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर हमें से कैसे ले जाएगा, माइनस में वैल्यू ले जाएगा। ठीक है, नाउ 1 बाय f 30 माइनस माइनस 1 बाय 10, u का वैल्यू जो माइनस का 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, देन 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 10, एलसीएम लिया 30, तो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 30, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बाय 15, देन v इज इक्वल टू 15 बाय 2 सेंटीमीटर। देखिए डिस्टेंस जो है इसमें पॉजिटिव आ रहा है, जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा इट मींस कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, और हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है बिहाइंड द मिरर ही होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो हमने मैंने चार पॉइंट्स आपको बताए हैं उन सात चार पॉइंट्स को याद रख लेना, वो बड़ा काम का है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका यूज जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।